हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश मंडोरिया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मंडोरिया क्लास में। आज इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश बुक नेम रेजोल्यूशन चैप्टर नंबर 12 व्हिच नेम इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज अ स्टोरी एंड दिस स्टोरी वाज रिटन बाय मनीष गोयल। मनीष गोयल वाज बोर्न इन राजस्थान, ठीक, और उनकी राइटिंग्स की बात की गई है जो कि एक इंपॉर्टेंट तथ्य, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, तो सुनिएगा। He writes stories on issues concerning social responsibilities, social welfare and environmental protection. कहने का मतलब हो गया कि इनकी जो राइटिंग्स होती है, इनकी जो स्टोरीज होती है, उनमें ज्यादातर कौन से मुद्दों की बातें होती हैं? तो वो मुद्दे होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहने का मतलब आपकी, आपके समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में सोशल वेलफेयर, कहने का मतलब समाज का कल्याण हम किस प्रकार कर सकते हैं, है ना, किन किन चीजों में समाज के कल्याण की बातें हैं, तो उनकी बातें करते हैं। एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसकी बातें करते हैं। खासकर इनकी कहानियों में ये मुद्दे होते हैं। चलिए, ये कुछ बातें थी हमारे राइटर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे स्टोरी के बारे में, हमारे स्टोरी के हल्के फुल्के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, सुनिएगा। This story lays stress on the importance of water. ये जो कहानी है, ये कहानी पानी के महत्व पर, है ना, इंपॉर्टेंस पर जोर देती है, पानी के इंपॉर्टेंस पर, वाटर के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। और इसमें यह भी बताया गया है कि पानी जो है, इस धरती पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनमें सबसे कीमती चीज है, उसके बिना मनुष्य कतई नहीं रह सकता है। कहने का मतलब ये, मनुष्य क्या कोई भी जीव नहीं रह सकता। चलिए, This story is very inspiring and thought provoking. कहने का मतलब ये कहानी जो काफी प्रेरणादायी है और विचार उत्तेजक है। कहने का मतलब हो गया कि ये आपको सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी, कि बिल्कुल जो ये कहानी बात बता रही है वो बिल्कुल सही है कि हमारे लिए पानी बहुत महत्वता रखता है। तो इस प्रकार आपको सोचने पर मजबूर करती है और आपको इंस्पायर भी करती है, आपको प्रेरणा भी देती है ये स्टोरी। सुनिएगा। It succeeds in leaving a great impact on the heart of a reader. और ये कहानी जो सफल भी होती है कि ये एक जो रीडर होता है, इसको पढ़ने वाला जो रीडर है, उसके मन पर, उसके मस्तिष्क पर काफी प्रभाव छोड़ती है, उसको प्रभावित करती है, उसको कुछ ना कुछ सिखा देती है ये कहानी। जब भी कोई व्यक्ति इस कहानी के बारे में पढ़ेगा, इस कहानी को पढ़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ सीख लेगा ही लेगा। तो कहने का मतलब ये प्रभाव डालती है और प्रभाव डालने में ये सफल है। चलिए, It ends with a resolution of Anna, है ना? इसमें मैं आपको बता देता हूं, अन्ना जो है वो आपका प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, अन्ना इस कहानी का नायक है, ये सबसे मेन कैरेक्टर है। सुनिएगा, तो रेजोल्यूशन ऑफ अन्ना एंड अदर विलेजर्स, इस कहानी में आपको अंत में जाकर रेजोल्यूशन के बारे में बताया जाता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, हम जिसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, ठीक। तो इस कहानी में आपको दृढ़ संकल्प की बात की गई है। किसका दृढ़ संकल्प? एक तो अन्ना का और उसके साथ दूसरे गांव वालों का, ठीक। अन्ना और दूसरे गांव वाले जो हैं वो मिलकर एक संकल्प करते हैं, तो संकल्प की बात की गई इस कहानी में। टू प्लांट ट्रीज एंड कंजर्व वाटर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, है ना। तो वे संकल्प किस चीज का ले रहे हैं? तो वे संकल्प लेते हैं प्लांट लगाने का और उसके बाद पानी को कंजर्व करने का, ताकि हम फ्यूचर का, है ना, जो हमारी फ्यूचर की जो पीढ़ियां हैं, है ना, फ्यूचर में जो मैनकाइंड आएंगे, कहने का मतलब जो मानव जाति आगे जन्म लेगी, उनके लिए भी भविष्य सेफ रहेगा। कैसे? जब हम अभी से, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ों को उगाएं, हम पेड़ों को कम से कम काटें, है ना, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा उगाएं, उनका पालन पोषण करें, उसके बाद पानी को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करें, ठीक। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार ये कहानी आपको बातें बताती है एक रेजोल्यूशन के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे स्टोरी की। अब हम एंटर होते हैं हमारे स्टोरी में, लेकिन स्टोरी में एंटर होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो जो है वो पूरा देखना है, उसे रत्ती भर भी मिस नहीं करना है। कारण ये है कि जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो मैटर आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो स्टोरी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो सारी की सारी यही क्लियर हो जाएगी। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यही समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तब। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आपको मेरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाती है, मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आपको समझ में आ जाता है, तब उसके बाद आप अपनी किताब के पास जरूर जाइएगा और अपने इस चैप्टर को एक बार नहीं बल्कि दो बार जरूर पढ़िएगा, ताकि आपकी छोटी मोटी सारी बातें क्लियर हो जाए और आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाए। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे स्टोरी की, तो सुनिएगा। अब कहानी के शुरुआत में आपको बताया जाता है अन्ना नाम का जो कि नौजवान लड़का है, वो लड़का अपनी पढ़ाई, है ना, कॉलेज की पढ़ाई चल रही है उसकी, तो अपनी पढ़ाई के बाद जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उन गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ है, ठीक। उसके पास काफी सामान है और वो पैदल अपने गाँव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो देखता है कि जब वो अपने गाँव की तरफ आ रहा है तो रास्ते में जो खेत आते हैं, उन खेतों में किसी प्रकार के कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहे,
ठीक, जबकि खेतों में हमेशा लोग भरे पड़े रहते हैं, हमेशा लोग अपने खेतों में काम करते रहते हैं, लेकिन आज उसको कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बड़ा अजीब लगता है ये बात। फिर उसके बाद आगे जाकर जो बेरों के पेड़ आते हैं, है ना, बेर जिन्हें हम कहते हैं, तो बेर के जो पेड़ होते हैं वहां पर भी कोई बच्चे किसी प्रकार से बेर वगैरह खाने के लिए वहां पर नहीं है, मतलब वहां पर भी एकदम सूना है। फिर आगे जाकर उसे मैदान दिखाई देते हैं जहां पर ये अक्सर खेला करते थे, वहां पर बच्चे हमेशा खेला करते हैं, लेकिन आज वहां पर एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद वो जैसे आगे बढ़ता है तो आगे पाठशाला आती है, एक स्कूल आता है, जहां पर हमेशा, कहने का मतलब, बच्चे जो है अपनी चटाइयों पर बैठे रहते हैं, अपने पहाड़े याद करते रहते हैं, अपने पाठों को याद करते रहते हैं, उनका शोर शराबा सुनाई देता रहता है, टीचर्स का शोर शराबा सुनाई देता है, ये सारी चीजें, लेकिन आज कुछ भी वहां पर नहीं है। कहने का मतलब वहां न तो कोई बच्चा है न कोई टीचर है। कुल मिलाकर उसको गांव के आसपास और गांव का वातावरण जो एकदम सुनसान नजर आ रहा है, वहां पर उसे कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, वहां पर उसे कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है, और ये बात उसे बहुत अकड़ती है, उसे बहुत डिस्टर्ब करती है। वो तेज तेज चलने की कोशिश करता है कि मैं जल्दी जाऊं और मेरे घर देखूं, मेरे गांव में देखूं कि क्या दिक्कत है, लेकिन वो चल नहीं पाता है क्योंकि उसके पास सामान है। आपको बताता हूं, जब वो अपने गांव की तरफ आ रहा है तब सूर्य जो है वो अस्त होने जा रहा है, ढलता हुआ सूर्य उसे दिखाई देता है, और ये ढलता हुआ सूर्य उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये उसे हमेशा निराश कर देता है, न जाने क्यों, वो खुद भी नहीं जानता कैसा क्यों होता, लेकिन उसे डूबता हुआ सूर्य अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको बता देता हूं लेखक क्या कहना चाहता है। कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कि ये जो लड़का है ये एक उत्साहित लड़का है, है ना, ये कहने का मतलब कभी भी निराश होने वाला लड़का नहीं है, इसे हमेशा आशाएं चाहिए, इसे हमेशा ऊर्जा चाहिए, इसे हमेशा उगते हुए, इसे हमेशा बढ़ती हुई चीजें अच्छी लगती है, जो आपको भी सिखा रही है कि हमें हमेशा, मतलब डूबती हुई चीजों को पसंद नहीं करना चाहिए, उगती हुई चीजों को पसंद करना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें नीचे डूबना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर ये बताना चाहता है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये अपने गांव की तरफ बढ़ रहा है, गांव में एकदम सुनसान सा नजर आ रहा है। अब ये गांव के चौपाल में पहुंचता है, चौपाल में भी कहीं पर भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। गांव के कुत्ते जो वो उसकी तरफ भौंक रहे हैं, और वो कहता है कि आज मैं अपने गांव में ही बेगाना हो गया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अजनबी हो चुका हूं। ठीक, इतने में उसे गांव के चौकीदार नजर आते हैं, जो कि एक बूढ़े व्यक्ति हैं, सफेद दाढ़ी है, और उन्होंने कुर्ता और जो भी कुर्ता वगैरह धोती कुर्ता पहन रखा है। तो उनसे जाकर पूछता है कि सारे गांव वाले कहाँ गए, गांव में इतना सूनापन क्यों है, ठीक क्या हो चुका है, क्या कोई घटना घट चुकी है। तो चौकीदार कहते हैं कि आज गांव के सारे लोग जो है वो मंदिर में गए हैं और मंदिर में अर्धरात्रि की पूजा करेंगे। तो अन्ना पूछता है कि क्या कारण है, तो वो बताता है कि भाई हमारे गांव में सूखा पड़ चुका है, हालांकि बारिश कमी नहीं हुई है ना, मतलब बारिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर्याप्त तो बारिश हुई है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारे कुओं में पानी ठहर नहीं रहा है, हमारे कुओं के पानी का लेवल घटता जा रहा है, हमारे जो जलाशय हैं, ठीक है, उनके पानी का लेवल घटता जा रहा है, जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं बच रहा, जबकि बारिश पर्याप्त हुई थी। तो लोगों को लगता है कि शायद भगवान हमसे नाराज हो चुके हैं, इसलिए वो भगवान को खुश करने के लिए, वो भगवान को मनाने के लिए मंदिर में आज अर्धरात्रि की पूजा करेंगे, ताकि उनके ऊपर आया हुआ संकट खत्म हो जाए। ये बात सुनकर अन्ना को काफी निराशा होती है। अन्ना कहता है कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो एक प्रकार का अंधविश्वास है ना, आप हल्की सी समस्या में भगवान का दरवाजा खटखटा रहे हो, भगवान को परेशान करने के लिए जा रहे हो, जबकि ये तो हल्की सी समस्या है, ये आपकी समस्या है, आपको इस समस्या का खुद निराकरण ढूंढना चाहिए, है ना, तुम्हें खुद को इसका उपाय ढूंढना चाहिए, तुम्हें खुद को इस समस्या से जूझना चाहिए और इसके उपाय को ढूंढना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी मदद करना चाहता है उसकी भगवान मदद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हम तो सीधे भगवान के तरफ निढाल हो चुके हैं, कहने का मतलब सब कुछ हमने भगवान के भरोसे छोड़ दिया और हम अवतार की राह देख रहे हैं, एक अवतार की आश कर रहे हैं कि भगवान कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यह हमारी समस्या है, हमें खुद को ही इस समस्या का निराकरण ढूंढना पड़ेगा, हमें खुद को इस समस्या का उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो ये बातें सोचकर बेचारा जो अन्ना है वो काफी दुखी होता है, हताश होता है कि भाई ये गांव वाले क्या कर रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर अब वो अपने घर पहुंच जाता है, अपने घर जाकर वो चिमनी वगैरह जला देता है, तब तक भरपूर अंधेरा हो जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, वो याद करता है कि मेरे माता पिता ने किस प्रकार मुझे कठिन, है ना, परिश्रम करके मुझे एक अच्छे विद्यालय में, विज्ञान के महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, शहर में भेजा। ठीक है, तो मैं उनके सपनों पर खरा उतरना चाहूंगा, मैं अच्छी मेहनत करूंगा, और इसीलिए ये काफी अच्छा है ना, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है जिसने पुरस्कार प्राप्त कर रखे हैं। ठीक, तो ये इतना अच्छा स्टूडेंट है जो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। उसके बाद ये अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता है। दूसरे जो लड़के होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वे हमेशा सपना देखते हैं कि हम अच्छे से पढ़ लिख कर दूसरे विदेशों में जाएंगे और वहां पर जाकर डॉलर, है ना, मोटा पैसा कमाएंगे।
ठीक, लेकिन आपके अन्ना का इस प्रकार का कोई सपना नहीं है। अन्ना तो यही चाहता है कि मैं यहाँ पर जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो पर्यावरण की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, और जो मैं विज्ञान की पढ़ाई कर रहा हूँ, उन सबका उपयोग करके गांव वालों को बताऊंगा कि हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, कैसे पानी का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हम कृषि में अच्छे उपायों का उपयोग करके, है ना, हम उन्नत कृषि प्राप्त कर सकते हैं। और मैं कुल मिलाकर ये सारी चीजें करके मेरे गाँव में रहकर मेरे गाँव का भला करना चाहता हूँ। आपके अन्ना का ये है, उसका उद्देश्य ये है, ठीक। तो अब अपने इन विचारों में विचार करते करते अन्ना को आंख लग जाती है, वो सो जाता है। अब जब वो सोता है तो उसको एक भयंकर सपना आता है। अब सपने में वो क्या देखता है तो सुनिएगा, सपने में वो देखता है कि सब जगह बॉम्ब गिर रहे हैं, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, और बॉम्ब ब्लास्ट होते ही लोग जो है वो मर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जगह जगह धुआं उठ रहा है, जगह जगह आग लग रही है, सारे घर सारे गांव जो है वो जल कर खाक हो गए हैं, ठीक है, लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं, ठीक, लोगों की लाशें बिछी हुई है, लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, दर्द से चीख रहे हैं, दुख से चीख रहे हैं। तो ऐसा भयंकर दृश्य दिखाई दे रहा है। वो देखता है कि एक व्यक्ति जो है वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और वो कहता है कि मुझे एक बूंद पानी पिला दिया जाए, ठीक। फिर वो एक दृश्य में देखता है कि एक औरत जो है वो काफी रो रही, चीख रही है, उसके हाथ में उसके बच्चे की लाश पड़ी है, ठीक है, और वो कहती है कि भाई मेरी आंखों का तारा मुझसे दूर हो गया है। कुल मिलाकर अपने बच्चे के लिए वो काफी रो रही है, काफी दुख प्रकट कर रही है, लेकिन उतने में एक बॉम्ब की आवाज आती है, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और उसके बाद उस औरत की भी आवाज आना बंद हो जाती है, कुल मिलाकर वो औरत भी मर जाती है। तो बड़ा ही भयंकर दृश्य ये देखता है। अब इस सपने में उसे पता पड़ता है कि ये जो दृश्य है, ये जो घटना है, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वो तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है, है ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक। और अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या बताया गया है, तो कारण ये बता रहा है पानी की कमी। मतलब सपने में वो देख रहा है कि पानी की कमी के कारण एक देश दूसरे देश पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, ठीक, उस देश पर जिस देश में अच्छा सा पानी है, जिस देश में पानी का भंडार है, उस देश पर दूसरे देश जहां पर पानी की कमी हो गई है, वे देश उस पर आक्रमण करके उसका पानी हथियाना चाह रहे हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध। इतना भयंकर दृश्य देखकर अन्ना एकदम डर के उठ जाता है, ठीक है, उसे काफी कपकपाट होती है, है ना, वो काफी डर जाता है, और वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गांव में भी ऐसी समस्या आ जाए, है ना, हमारे यहाँ पर भी हमें वास्तव में समस्या का सामना करना पड़ जाए, ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में पानी को लेकर तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, तो काफी डर जाता है। अब जब अन्ना अपने सपने से डर कर उठ जाता है, ठीक, तब उसके बाद आपको बताया जाता है कि टाइम रात के लगभग 3 बज चुके हैं, और वे जो गांव के लोग जो पूजा पाठ में गए हुए थे, पूजा करने के लिए गए हुए थे, वे भी सब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, औरतें बच्चे बूढ़े सब, औरतों की गोद में उनके बच्चे हैं जो कि सोए हुए हैं। तो उनमें अन्ना के मित्र भी हैं जो अपने घर लौट रहे हैं, वे सीधे अन्ना के घर जाते हैं और अन्ना से मिलकर काफी खुश होते हैं, वे अन्ना को गले लगाता है, ठीक है, लगाते हैं, अन्ना भी उन्हें गले लगाता है, और काफी एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। अब उसके बाद में बातें आती है सारी कि भाई पूजा पाठ किस मैटर में थी, तो पूजा पाठ के बारे में आपका अन्ना उन्हें बताता है कि भाई खाली पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक, हमें समस्या का निराकरण ढूंढना पड़ेगा, हमें समस्या का उपाय ढूंढना पड़ेगा, ठीक, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो बताता है कि ये जो समस्या आई है, जो पानी की कमी आ रही है भूमिगत जल में, उसके कारण हम ही है, हाँ, हमें क्या करना चाहिए, पानी को संरक्षण देना चाहिए, पानी को संरक्षित करके रखना चाहिए, ठीक है, पानी को कैसे बचाया जा सके, कैसे उसका संरक्षण किया जा सकता है, उसके नए नए उपाय, नए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए, ठीक। तो वो बताता है कि हमें सबसे पहले पेड़ों को बचाना है, पेड़ ही वे हैं जो कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पानी को एक जगह रोक कर रखते हैं, और जब पानी एक जगह ठहरता है तब वो पानी जो है वो जमीन के अंदर उतरता है, और जब पानी जमीन के अंदर उतरता है तो वो पानी कुओं तक पहुंचता है, झीलों तक पहुंचता है, ठीक है, कुल मिलाकर भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि होती है। तो उन सबके पीछे कारण कौन रहेंगे, पेड़। फिर उसके बाद बताया जाता है कि जो नदी नालों में जो पानी, या कहने मतलब जो बाढ़ आती है, ठीक, पानी भरपूर आ जाता है, फिर वो पानी जब बहकर चला जाता है तो पानी वहां से निकल जाता है, और थोड़ी देर में ही उस पानी को मतलब खत्म कर दिया जाता है, वो पानी सारा का सारा निकल जाता है, कहने का मतलब ये कुल मिलाकर वहां पर पानी की कमी वापस वैसी की वैसी हो जाती है। तो अन्ना कहता है हमें उस पानी को क्या करना है, रोकना है, उस पानी को रोकना है बांध बनाकर, सही है, नदी के पानी में अगर, नदी में अगर पानी, और वो पानी अगर ऐसे निरंतर बहता रहेगा तो जाकर समुद्र में मिल जाएगा, फिर वो पानी हमारे किस काम करेगा। तो अन्ना कहता है हमें उस पानी को, हमें इस बाढ़ के पानी को एक जगह रोक देना है, ठीक है, बांध बना के रोक देना है, ताकि वो पानी एक जगह ठहर जाए और वो पानी धरती के अंदर उतरे। कुल मिलाकर हमें पेड़ लगाने, ठीक, और पानी का व्यवस्थित तरीके से संरक्षण करने के नए नए उपाय ढूंढने, ठीक। तो पेड़ हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, पानी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण, ऐसी बात वो अपने मित्रों को समझाता है।
अब मित्र जब आपस में सब बातें करते तब एक मित्र है जिसका नाम है महेश, वो बात बताता है कि बिल्कुल सही है कि भाई औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कृषि कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इन सब के कारण पानी का जो पानी की जो मांग है, जो डिमांड है, वो काफी बढ़ गई है। और इतनी जब डिमांड बढ़ गई है तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगर उसके हिसाब से अगर पानी नहीं आया तो पानी के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद एक दूसरा मित्र है जो कि रामुदा नाम का है ना, रामुदा नाम का है, वो व्यक्ति भी कहता है कि बिल्कुल सही है कि जितना शहरीकरण हो रहा है उस शहरीकरण के कारण जमीन कम पड़ रही है। कहने का मतलब क्या हो गया, पानी जो बारिश का जो पानी आता है ठीक, उसको जमीन में जाने के लिए कच्ची जमीन चाहिए, जबकि शहरों में तो सब जगह रोड पक्की सड़कें बन गई है, तो पानी जमीन में उतरता ही नहीं है, वो बहकर सीधा नदी नालों में चला जाता है, फिर वहां से वो सीधा समुद्र तक पहुंच जाता है। तो पानी सोखने के लिए शहरों में जगह नहीं बच रही है ठीक। तो कहने मतलब ये जो शहरीकरण है ये भी कारण है कि पानी के मतलब पानी जो वो धरती में उतर नहीं रहा है। अब कुल मिलाकर ये सब आपस में बात करते हैं ठीक है, और दृढ़ निश्चय करते हैं कि भाई हमें वास्तव में लोगों को समझाना है, हमें लोगों को शिक्षित करना है ठीक, और हमें लोगों को प्रेरित करना है कि वे पेड़ पौधे लगाएं, है ना, वे हर एक व्यक्ति अपने पेड़ों को सुरक्षित रखें, उनको संरक्षण दें ठीक, उन्हें पाले, उन्हें पोसे। उसके बाद में पानी जो है इसकी इंपॉर्टेंस को समझे, हमारे लिए एक एक बूंद काफी मायने रखती है, एक एक बूंद काफी कीमती होती है पानी की, तो हमें ये लोगों को जाकर बताना है, उन्हें इस चीज के लिए प्रेरित करना है। फिर महेश जो उसका दोस्त है वो प्रश्न पूछता है कि भाई मैंने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है ना, वर्षा के जल को संरक्षित करना, ये कैसे कर सकते हैं। तो अन्ना जो वो भी क्लियर करता है कि भाई देखो अगर हम अपने घर के ऊपर एक टैंक बना दे या फिर घर के नीचे जमीन में एक टैंक बना दे और जमीन में बारिश के पानी को इकट्ठा कर दे, उस टैंक में बारिश के पानी को इकट्ठा कर दे तो वो पानी वर्ष भर हमारे काम आएगा ठीक है। तो कहने का मतलब हमें पानी की किल्लत को सहन करना नहीं पड़ेगा, तो इसे हम वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब आपस में डिसीजन लेते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं कि अब हमें लोगों को प्रेरित करना है, अब हम खुद भी पेड़ों को बचाएंगे, लोगों से भी कहेंगे कि आपको पेड़ों को बचाना है, हम खुद पानी के संरक्षण को बढ़ावा देंगे, लोगों से भी कहेंगे कि तुम भी पानी के संरक्षण को बढ़ावा दीजिए ठीक है। इस प्रकार जब हम पानी को बचा कर रखेंगे, जब हम पानी का संरक्षण करेंगे तो हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी ठीक। और अगर हमने पानी को अभी संरक्षण नहीं दिया, अगर हमने पानी को अब नहीं बचाया, तो हमारे सामने तीसरा विश्व युद्ध होगा और वो विश्व युद्ध का जो कारण रहेगा वो पानी की कमी ही रहेगी ठीक। अब इस प्रकार सुबह सूर्य उग जाता है, सब दोस्तों ने जब दृढ़ संकल्प कर लिया है तो उनके सामने वो जो सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपका अन्ना है वो काफी पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलता है और उसे उगता हुआ सूरज काफी मोटिवेट करता है, तो वो सूरज के साथ साथ कहने का मतलब सबके चेहरे खिल जाते हैं और कहते हैं कि हम भी इसी प्रकार अपनी ये जो आशाएं हैं, अपना ये जो दृढ़ संकल्प है उसे पूरा करेंगे, उसे हमेशा ऊपर उठाते रहेंगे। इस प्रकार इनके दृढ़ संकल्प के साथ ये पाठ यहीं पर खत्म हो जाते हैं, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर ये शिक्षा दी जाती है आपको इस कहानी में कि भाई आपको पानी को संरक्षण देना है, आपको पानी बचाना है, उसकी हर एक बूंद काफी इंपॉर्टेंस रखती है, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमें पेड़ों को बचाना है, अगर पेड़ों को नहीं बचाया जाएगा तो फिर पानी की कमी स्वतः ही हो जाएगी। कुल मिलाकर हमें वृक्षों की रक्षा करनी है, जंगलों की रक्षा करनी है ठीक है, और हमें पानी को संरक्षण देना है, पानी को संरक्षण करना है, संरक्षित करना है। कुल मिलाकर ये कहानी आपको ये शिक्षा देती है। चलिए अब मैंने सारी बातें बता दी आपको इस स्टोरी के बारे में, मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा ठीक। अब बात आती है हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको ये सारा मैटर समझ आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर लगता है कि ये दूसरों के काम आ सकता है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं तो उन्हें मेरे चैनल को शेयर करें, रेकमेंड करें, और मेरे चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और उनसे भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।